हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं JHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं लेक्चर देना चाहता हूँ ताकि अलग अलग पॉइंट से आपको ये बात समझ में आए। आज का विषय है इजी वे ऑफ एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। पहली बात तो यह है कि यह एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के बारे में बहुत बड़ा प्रमाण में कन्फ्यूजन है, और दूसरी बात यह है कि एंटीसोरिक ट्रीटमेंट बहुत इजी है। इतनी इजी है कि अगर आपको सोरिक सिम्टम ध्यान में आ जाए तो आप बैठे बैठे उस पेशेंट के सोरिक सिम्टम डिस्कवर कर सकते हो, आप सोरिक सिम्टम चुन सकते हो। ये जो इजी वे जो डॉक्टर हनीमान इन्होंने बोला है वो अलग है, डॉक्टर केंट इनका मार्ग अलग है और डॉक्टर हनीमानन इनका मार्ग अलग है, उनकी टेक्निक अलग है। मगर डॉक्टर केंट इन्होंने हनीमान का ऑर्गन को एक्सप्लेनेशन किया, मगर उसमें उन्होंने उनके विचार डाले हैं। मैं फिर से ये वाक्य दोहराता हूं, उन्होंने उनके विचार डाले हैं। डॉक्टर हनीमानन इनकी स्ट्रेटर्जी अलग है और डॉक्टर केंट की स्ट्रेटर्जी अलग है, मगर शब्द इस प्रकार से यूज किए गए कि वो कंफ्यूज मैटर तैयार हो गया। डॉक्टर हनीमान चाहते क्या थे और डॉक्टर हनीमान इन्होंने उनको करना क्या था और डॉक्टर केंट इन्होंने उसको किस बात का रूप दिया। तो बात यह है कि आपको सोरिक सिम्टम्स आपको समझना चाहिए, और ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये सोरिक सिम्टम्स समझने का तरीका अलग है, और आप ये सोरिक सिम्टम्स को आपको ध्यान में आ जाए तो आप इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। बहुत बार मैंने प्रैक्टिस में ये बात देखी कि बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस है, मगर जब उसका जवाब ढूंढना है तो बहुत बड़े प्रमाण में सवाल पूछने पड़ते हैं। कभी कभी शुरुआत में मुझे एक घंटा लगता था, डेढ़ घंटा लगता था, मगर कुछ समय के बाद में जब मैंने डॉक्टर हनीमानन इनके एंटीसोरिक ट्रीटमेंट अपनाए और उनके एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के जो टेक्निक अपनाए, उसके बाद में मुझे एक बात ध्यान में आई कि मुझे आज के तारीख में करीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं एक केस टेकिंग करने के लिए। पहले एक समय ऐसा था कि मुझे डेढ़ घंटे लगता था, डेढ़ कभी दो दो तीन तीन घंटे लगते थे एक सिंगुलर मेडिसिन ढूंढने में, मगर जब डॉक्टर हनीमान इनकी टेक्निक यूज की तो मेरे को 8 से 10 मिनट तक मुझे मैं करेक्ट मेडिसिन तक पहुंचता हूँ। मगर ये तभी साध्य हुआ जब मुझे ये सोरिक सिम्टम्स का पर्पस ध्यान में आया। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ पर्पस, हर एक सोरिक सिम्टम्स का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य से ही वो सोरिक सिम्टम्स तैयार हुए हैं, और वो सोरिक सिम्टम्स का उद्देश्य आपको ध्यान में आ गया तो पेशेंट कोई भी भाषा यूज करे आपको वो सोरिक सिम्टम ढूंढ सकेंगे, क्योंकि आपको उद्देश्य मालूम है, आपको सोरिक सिम्टम्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको मेरी बात दूसरे शब्दों में बोलना चाहता हूँ, अगर आपको किसी गांव को जाना है, किसी शहर को जाना है, तो मेरी शर्त तो ये रहेगी कि आपको उस शहर का नाम मालूम होना चाहिए, उस गांव का नाम मालूम होना चाहिए, वो गांव वो शहर कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है, ये मालूम होना चाहिए, और जहाँ पर आपको जाना है उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ बातें की जानकारी होना जरूरी है, आपको हर एक सोरिक सिम्टम्स का पर्पस ध्यान में आना चाहिए। जैसे एक सोरिक सिम्टम्स के बारे में मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। एक सोरिक सिम्टम्स ये है कि पेशेंट के मुंह में छाले आते हैं और दर्द होता है, वहां पर ब्लिस्टर्स आते हैं, पिंपल्स आते हैं, उनकी उसके जबान पर छाले आ जाते हैं, तो ये 100 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है। मगर आपको इसका पर्पज मालूम रहेगा तो ही आप उसको अप्लाई कर सकेंगे, तो ही आपको उसके बारे में गहराई से ध्यान में आ जाएगा कि आप चाहते क्या हो और पेशेंट में क्या दिख रहा है। बहुत सारी बातें ऐसे है कि पेशेंट बोलते कुछ है और उनको बताना कुछ अलग रहता है, मगर ये बात आपको तभी समझ में आ जाएंगे जब आपके पास में सोरिक सिम्टम का पर्पस मालूम होगा कि ये लक्षण करना क्या चाहता है।
मैं आपको दूसरा एक उदाहरण बोलता हूं कि एक 12 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है जिसमें पेशेंट के दिमाग में बहुत तरह तरह के विचार आते हैं। अब ये जो उसके दिमाग में विचारों का क्राउड जमा हो जाता है, विचारों की गर्दिश जमा होती है, तो ये सोरिक सिम्टम्स का उद्देश्य क्या है? ये सोरिक सिम्टम्स का उद्देश्य ये है कि वो पेशेंट को डिसीजन लेते नहीं आता, निर्णय नहीं लेते आता कि उसको क्या करना है। ये सोरिक सिम्टम्स का पर्पज है। इसी प्रकार से डॉक्टर हनीमान के 491 सोरिक सिम्टम्स हैं, इंक्लूडिंग लैटेंट सोरा। तो हर एक सोरिक सिम्टम्स का उद्देश्य है, और जब तक आपको वो उद्देश्य ध्यान में नहीं आएगा तब तक आप सोरिक सिम्टम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये बात बोलना कोई कठिन नहीं है कि कोई बोले कि हमको सोरिक सिम्टम्स हम ध्यान में देते हैं और हम ट्रीटमेंट देते हैं, ये बोलना कोई कठिन बात नहीं, मगर प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट क्या है ये इम्पोर्टेंस है। आपके सामने अलग अलग बीमारियां है, अलग अलग डिसीजेस है, आपके सामने पेशेंट अलग अलग पैथोलॉजिकल रिपोर्ट रखता है, तब उस समय आप करेंगे कैसा? उस समय आपको लक्षणों का पर्पज मालूम रहेगा, सोरिक सिम्टम्स का पर्पज मालूम रहेगा, तो आप जो आपको चाहिए और जो वस्तु स्थिति है उसको आप ढूंढ पाएंगे, नहीं तो आप ढूंढ नहीं सकते। ये सोरिक सिम्टम्स का इम्पोर्टेंस बहुत है। मैं आपको दूसरी भाषा में बोलता हूं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने का उसी डॉक्टर को अधिकार है जिसको सोरिक सिम्टम्स के बारे में जानकारी हो, जैसे सोरिक सिम्टम्स के बारे में मास्टरी हो, प्रभुत्व प्राप्त कर लिया हो, वही होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकता है। मेरा दावा यहां तक है कि आपके टेबल पर सिर्फ ऑर्गनन, लेसर राइटिंग, मड्रामेडी का प्यूरा और क्रॉनिक डिसीज के सिवा आपको अन्य किताब की जरूरत नहीं है। ये जो किताब है डॉक्टर हनीमान की, इनकी परिपूर्णता इतनी है, इतना परफेक्टनेस है कि आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। मगर असल में बात ऐसी नहीं होती, बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग किताब रेफर करते रहते। मेरे साथ में भी जिंदगी में ऐसा ही हुआ, मैं बहुत अलग अलग डॉक्टरों का रेफरेंस करते रहा, मगर आखिर में मुझे यही बात ध्यान में आई कि सबके मास्टर हनीमान ही है और हनीमान ही रहेंगे।